नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे? बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में।
हमरी बाप के पावर। कल तू हमरे खिलाफ एक्शन ले ले और आज तू 4 घंटा बाद एरिया छोड़ के निकल जाइबे। काहे कि हमार बाप तो ट्रांसफर कर दिया ले। यही नाव पे जहाँ तू लेके आयल बड़े ना, यही नाव पे होके ले आके खरोच खरोच के रेप कैले रहनी। चिल्लात रहे, बहुत चिल्लात रहे, लेकिन हमके उतने मजा आवत रहे। ए दरोगा छोड़ना यार, अब बहुत हो गए। एगो रेपे तक कैले बनी, कोनो बड़का पहाड़ थोड़े उठा देले बनी। चल हम अपनी पाव जी से कह के तो ट्रांसफर रुकवाते। देख लेने तोरे बाप का पावर। खाली हमारा ट्रांसफर एक थाना से दूसरा थाना पे करा देलस, लेकिन तो ट्रांसफर हम जहाँ करे बने ना, वो देखे खातिर तो जिंदा नहीं की। और ये बात का बड़ा अफसोस रही हमके। जंगल राज में व्यवस्था कैसी भी हो, कानून को तोड़ने मरोड़ने हटने के लिए जितने भी दलाल हो, मैं रिश्वत नहीं लूंगा। ये मेरा अहंकार नहीं, बस इतनी सी बात है कि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। भाग जाने से ससुर गोली मार। अरे हमारे बतिया कहे नहीं की रहुआ सुनत, रिपोर्टवा लिख ली साहेब। अरे गधा, देख नहीं रहा है आज मैं कितना बिजी हूँ, बाद में तो गोली मार दूंगा। या तो भगा इसको, भगा 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 आज ही मरी। भगा 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 मंगल की पिकाओ रे, सरी की आरती उतारो रे। आरती तो नहीं के साहब के माला पहना दे जा। हाय ला 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 ला, मिठाई दे मिठाई दे मिठाई दे साहब। ताजा लड्डू दुकान से मंगवानी है, लिहल जा साहब। मुंह मीठा करी, अब ये कहां से आ गई? ए साहब, हमारा रिपोर्ट काहे नहीं के लिखे, हमारे फरियाद सुन ली साहब। आज थोड़ा सा प्रोग्राम चल रहा है, कल आइए सुनवाई होगी। मेहरबानी हुई, जब तक हमारे एफआईआर ना लिखाई है मैं जैसे ना जाए। लिखोई भी एफआईआर। अंदर लेके आओ। ओके, अब चल सत्यानाश कर दे ले मुठ के। चलो। प्रणाम हजूर। बैठिए बैठिए, हम ऐसे ठीक बानी हजूर। अरे बैठिए ना, बैठिए। चल बैठ। बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या कुछ नहीं है सरकार, बस एको केस के सिलसिला में मैं 12 दिन से रोज आवता नहीं, हमारा ये लोग रोज भगा देता। हाँ जी हजूर, हमार केस के मुख्य 3 गो बिंदु बा। वो तीनों मुख्य बिंदु जे बा, एक होता एजा के गजराज सिंह बाड़े, दूसरा बिंदु उनकर बहिन रश्मि बाड़ी, और तीसरा और सबसे अहम बिंदु हमार चेला किशन बा। समझ में हमारा नहीं के अवत के हम शुरुआत कहाँ से करी। गजराज सिंह से ही शुरू कीजिए साहब। एरिया में दंगल के अगर की हु बेताज बादशाह बा, तू बड़न गजराज सिंह
दोनों भी अखाड़ा के पहलवान में इतना हिम्मत नहीं थे कि गजराज के पहलवान की चुनौती दे सके। अगर गलती से कोनो गजराज के पहलवान की चुनौती दे देलस तब कुश्ती का मुकाबला शुरू होने वाला है। सभी दर्शक तालियां बजा रहे हैं और यहाँ पहलवान अपना कर्तव्य दिखाते हुए लोग आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, दर्शक तालियां बजा रहे हैं। बहुत भरपूर मजा आने वाला है इस कुश्ती में। आज बाला और हेमंत पहलवान एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े, एक दूसरे का अभिवादन किया। रेफरी ने दोनों को बुलाया, मिट्टी उठाई और एक दूसरे से हाथ मिलाकर बेहतरीन अभिवादन किया और आप एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हो गए। बहुत मजा आने वाला है दर्शकों को। दर्शक आज इस रोमांचक कुश्ती का आनंद ले रहे हैं जिसमें एक तरफ है बाला जो आज तक नहीं हारे लेकिन आज कमजोर से दिख रहे हैं। ये बेहतरीन तो है हेमंत का, राजेश्वर पहलवान का भाई हेमंत गजराज सिंह के पहलवान बाला पर शुरू से हावी हो रहे हैं। दोनों पहलवान आमने सामने और देखते हैं इस बार क्या होता है। बाला और हेमंत के बीच का ये दांव बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। वाह मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है और एक दूसरे को दांव लगाते हुए और ये बाला देखते हैं बाला क्या दांव लगाएंगे। हेमंत ने अपने दांव से बाला को एकदम लाजवाब कर दिया है। बाला कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए लेकिन बाला भी किसी से कम नहीं है और हेमंत ने एक बार फिर कोशिश की है और ये बाला हेमंत के हाथ में है। देखते हैं क्या दांव लगाने वाले हैं। बहुत बेहतरीन दांव लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बाला भी कम नहीं है, उन्होंने अपना पैर छुड़ा दिया है और देखते हैं फिर एक बार खुद थम खुद था दोनों पहलवानों के बीच में जबरदस्त खुद थम गुस्सा हो रही है और लगता है बाजी हेमंत के हाथ में आने वाली है। ऐसा लग रहा है कि बाला के पीठ में मिट्टी लगने से कोई नहीं बचा सकता। मुकाबला बहुत ही कड़ा होने वाला है और कड़ा हो रहा है। दोनों पहलवान किसी से हार मानने के फिलहाल में नहीं है, मूड में नहीं है और एक दूसरे को पकड़ देने के चक्कर में लगे हुए हैं। और देखिए बाला एक बार फिर मुंह के बल गिरे हैं लेकिन उन्होंने अपनी पीठ नहीं लगने दी। कुश्ती में एक पहलवान की यही खासियत होती है कि वो अपनी पीठ को जमीन से बचा कर रखे और बाला और भारी और इस तरह से ये कुश्ती बेहतरीन 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 बनती जा रही है। दर्शक पूरा आनंद उठा रहे हैं। फिर बोलते हैं बाला हेमंत को आके दिखाते हुए लेकिन हेमंत भी किसी से कम नहीं है और देखते हैं इस मुकाबले में क्या होता है। फिर पूरा भरपूर आनंद लेते हुए और ये बाला आगे बढ़े और ये दांव लगाया हेमंत और हेमंत पीठ के बल जमीन में गिर गए। हेमंत कैसे हो गया दर्शक अभी तक सोच रहे हैं और बाला इस कुश्ती को जीत चुके हैं। एक बार फिर बाला जीत गए। अच्छा खेलत रहे, बहुत अच्छा खेलत रहे। दुआ दे हमरा राजेश्वर कि तोरा भाई के आज अच्छा खेले के मौका देनी। लेकिन अफसोस का करी, हमरो अपन इज्जत बहुत प्यारा बा, हमरा इज्जत के बलि चढ़ गेल तोहर भाई। हम तोरा के का दुआ दी, हमार दुआ तोरा के श्राप जैसा लगी। श्राप आज ले हमरा कुछ उखाड़ पाई का उखाड़ लसता हर श्राप घंटा ये एरिया के नाम शिकारपुर जरूर बा लेकिन हमरा खातिर ये एरिया लंका बा और हम हई लंका के रावण गजराज। हमरा नहीं खे लागत राजेश्वर कि ई इलाका में कौनो मतदारी राम लक्ष्मण हनुमान पैदा करी। तार भाई आयल रहे बानर बन के पैदा भइल रहे ना लेकिन अब कभी गुलाटी न मार पाई बेचारा। रावण के नाम लेकर रावण के बदनाम मत करा गजराज। रावण था युद्ध में भी नीति के हिसाब से लड़त रहे लेकिन तू था कुश्ती के खेल में भी बेईमानी कर देहला।
और तोहर पहलवान हत्या कई देलस हमार भाई के। के मानी तोहर बात, के मानी तोहर बात, ये जनता मानी तोहर बात, या ये फिर पुलिस वाला जब हमारा पीछे जीसन दो मिलावत घूमत रहे ले, कब हम अपना मुंह से थूकी और हाथ रोक करके अपना मुंह से चाटे, ये मानी तोहर बात। हमारा नहीं क्या लागत की कौन जनता में इतना हिम्मत पा कि गजराज के खिलाफ जाके कोर्ट में गवाही दे। अदल बात तारा नजर में हत्या के उत्तम कोर्ट में साबित कर दे हत्या न बल्कि एगो कुश्ती में खेलल एक्सीडेंट रहे। बहुत गलत राजेश्वर, जब कोई अपना पैजामा सिलावे लाना के जगह पहले तय कर लेना। हमरा तोरा भाई के मर लगे कौन अफसोस नहीं के, लेकिन अफसोस तो बात के बा कुश्ती के एक टैलेंटेड पहलवान आज माटी में मिल गई। दूसरा बिंदु रहे उनकर बहिन, फूल से नाजुक बला के खूबसूरत। गजराज सिंह अपन बहिन से इतना प्यार करत रहलन कि आदमी तो दूर, अगर ओकरा ऊपर चांद और सूरज के परछाई भी पड़ जाए तो ही गजराज सिंह के बर्दाश्त ना रहे, और एकरा खातिर तो हमर भैया चलो मुखला सरकार मुहावरा तो बहुत सुन ले रानी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आज अपना आँखी से देख भी लेनी, कहा दिमाग लगाऊनी है कि रश्मि बिटिया से इस ससुरन के राखी बधवा के भाई बनवा देनी है। वाह 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 वाह। हमरा बहिन के तरफ कोनो नजर उठल देख कर मतलब गजराज के तरफ नजर उठल, और गजराज के तरफ नजर उठल एकर मतलब उक्त मौत निश्चित बा। ऐसे हम लोगन के देखे और सोचे के नजरिया बदल देनी अपन बहिन रश्मि से राखी बनवा के, कहे कि गजराज मौका तो दे सकेला माफी ना। और तीसरा बिंदु हजूर, तीसर का बिंदु रहे हमार चेला किसनवा, बहुत अच्छा सिंगर रहे, बस इतना जान ली कि ओकर कंठ में माँ सरस्वती विराजमान रहली है। ओकर एक ही गो सपना रहे कि बहुत बड़ा सिंगर बने, एकर पीछे कारण ई रहे कि ओकर बहन के दिल में छेद रहे और ओकरा इलाज खातिर ओकरा पैसा के जरूरत रहे, और वो एक ही चीज से हो सकत रहे सरकार कि वो बहुत बड़ा सिंगर बन जात। अहम एगो छोट मोट संगीत के विद्यालय चलावत रहनी है घर में, हमरा संगीत के बारे में ए बी सी कुछ ना आवत रहे, हमार संगीत के स्कूल खाली किसनवा के चलते ही चलत रहे, और जब जब किसनवा हमार स्कूल में ना आवत रहे तब तब एगो महान कवि कहले बाड़े। का कहले बाड़े गुरुजी? हाँ तो सुना कि हंगामा बाका है बरपल, थोड़ा सा जोर। गुरुजी
और ना बाउसा के देखा तारा ना गुरुजी ने सिखाता नहीं। हाँ हाँ ध्यान दिया कि हंगामा बाका है बरपल कि थोड़ा सा जो पी ले ले बानी अरे डाका तो नहीं डाला 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 डाका तो नहीं डाला मौसी के देखा तारा आए कि नानी के देखा तारा ससुर के नाती सन कहीं जा गाना सीखे आवेला कि नौटंकी मार की बरमन उड़ जाए ध्यान दे तो हंगामा बाका है बरपल हंगामा बाका है बरपल हमरा बुझाता कि गाना तोनी के सर के ऊपर से जाता तो चला सीखल जा हमने के सारे का मन पता नहीं सा गुरु जी जी गुरुजी अरे आज हमार सारा सूर आठवां सुर का है बन जाता इस सातवां सुर का है नहीं खे लाग गुरुजी सातवां सुर तो अइले नहीं खे कहां गई बा ई का होता बचवा खुश रह गुरुजी भाई लागू गुरुजी बचवा जौन हाथ में आज तोरा हारमोनिया होके के चाहत रहे सारे गामा पधा निसा उ हाथ से तू कुदारी चलावा तारा हाय रे बचवा जौन सर पर तो हर गायकी के ताज होके के चाहत रहे ओ पे तू किसानी के पगड़ी बन ले बाना अरे बड़ बड़ गायक के हम सुपरस्टार बना देनी है पवना हमारे हिजा से निकल मनोज तिवारी हिजा से निकल बाना खेसारी हिजा से निकल बाना नीचे मत देखा मट्टी से उठा के उनका के स्टार बना देनी है खाली रहुआ गुरुजी कौन जगह बा चलवा बूझ ले मारम की परमन लूट जाए ए बचवा हम चाहता नहीं कि तू गायक से सुपरस्टार बन जा सुपरस्टार गायक हमार बच्चा बन जाए अरे गुरुजी यह बात तो हमार माई नहीं के समझत ना आए खुशखबरी खुशखबरी शिकारपुर गांव में संगीत प्रोग्राम के आयोजन रखल गई बा आप सबके जान के बहुत खुशी हुई कि गजराज जी द्वारा आयोजित प्रोग्राम में खेसारी लाल खेसारी गुरुजी खेसारी अरे गुरुजी खेसारी आवे वाला बड़न अरे गुरुजी हमारे हीरो आवे वाला बड़न खेसारी 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 बढ़िया मौका बा गुरुजी गुरुजी ऐसे बढ़िया मौका ना मिली गुरुजी चली ना ए गुरुजी सुनी ना हम सबके मन बाकी खेसारी के साथ एगो फोटो खिंचवा जाओ है ना बना रे देखी इतना सब खुश बाड़े चली ना गुरुजी लेके चली ना हमनी के चली ना गुरुजी अरे चली भैया के वो ये आवे खेसारी बता रे चली ना गुरुजी चली ना गुरुजी चली ना ठीक बा तेरे माँ का साकी तभी धीरे धीरे गुरु गुरु जी गुरु जी कब है
गई। चोर घुसल बा, चोर चोर। अरे चिल्हक पड़ गई बाबे बच्चवा, चिल्हक चिल्हक। गुरुजी रउआ टेंशन ना ली गुरुजी, काहे से कि हमार माई हमसे कहले रहली बेटा तू उल्टा पैदा भइल रहले उल्टा, बस हम रउआ के लाज लगाई। आ बच्चवा गुरुजी के पैर लगाबे। अरे गुरुजी कुछ चीज ठीक करे खातिर पैर लगावे के पड़ी। आशीर्वाद दे गुरुजी। हे भगवान। कुछ आराम भइल गुरुजी। और दर्द बढ़ गइल बारे बचवा। अब लात लगाओ वहीं के पड़ी। हे पिछड़ा पिछड़ा पीछे 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 भौजी तनी पीछे हटा। गुरुजी तैयार रहिया। ठीक हो गए रे बचवा, ठीक हो गए, ठीक ठीक हो गए ले। अरे भाई गुरुजी एकदम टकाटक हो गए रे बचवा, एकदम टकाटक। चली ना गुरुजी। ए मलकिनी हमार कुर्ता लावा, चला जा। भाइयों और बहनों आपके बीच खेसारी लाल यादव आ रहे हैं। ए भैया पहले पब्लिक के जुट जाए था तब अनाउंसमेंट करी। हाँ ठीक बात भैया। चली गुरुजी, चली गुरुजी, चली ना गुरुजी, चली ना। अरे बचवा रुका, चली ना गुरुजी। चलो हमने कहने बैठे था। अरे गुरुजी वो जनरल कोटा बा रघु वीआईपी आदि बानी, चली वीआईपी सीट पे बैठी। अरे ना रे बचवा, हमने कहे नहीं गुरुजी, समझ कहे नहीं की खेसारी लाल चेला हा। देखी रउआ गुरु है और रउआ के हिजब बैठे के चाहिए ना। तू लोग उन्हें जा हमरा कहने जाए। अरे गुरु जी चली ना, चली ना बैठी बैठी आराम से। उठ उठ, तो के मालूम नहीं कि वीआईपी लोग के सीट बा। ए तू चिन्हत नहीं की इनके। अरे ये खेसारी के गुरु हवन गुरु। अच्छा तोरा की यकीन नहीं होता तो आवे देखी सारी के। आवे देख खेसारी भाई के फिर देखा तोरा सो के का होता। गुरुजी बैठी बैठी, माफ कर दी माफ कर दी। भाइयों और बहनों बड़े खेत के साथ सूचित किया जाता है कि खेसारी लाल यादव का प्लेन छूट गया है, इस वजह से वो इस प्रोग्राम में नहीं आ पा रहे हैं। कृपया शांति बना के रहे, गजराज भैया पधारने वाले हैं। भैया जी खेसारी लाल के प्लेन मिस हो गए बा, उस चलते यह प्रोग्राम में ना आ पाई हनु। ऐसे तो हमार नाक कट जाए आज। भैया जी कोनो बात नहीं खे, खेसारी लाल ना इले तो का भइल, उनकर गुरु जी आई बाटे उहो ओरिजिनल, उनके से गवाली। ए चल। ठीक बा, खेसारी की जगह होकर गुरु जी का ही जोड़े गोरे। हमरा के बहुत जोर से खांसी सर्दी हो गई बा कचरा जी, बाकी बाकी हमार चेला आइल बा वो हमरो से अच्छा गावेला। ए किसान हने आवा, हने आवा। ये चला बा ई गाई गाई जी, ई का खाता नहीं। अरे ये पगला खेसरिया भी ऐसे ही स्टार भर रहे हैं, ओकरो के हम लाखों के बीच में मौका दे ले रानी। कादे कादे को 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 गुरु गाओ चाहे चेला गाओ, अगर आज के प्रोग्राम हमरा पसंद ना आये तो समझ ले कि तू लोग के हम ये जोड़े जो गो।
का राउंड फूल का रसाउंड एक ही को गाना बजाओ चार राउंड अरे बजाओ मर्दा भरल का राउंड फूल का रसाउंड एक ही को गाना बजाओ चार राउंड नोट नमरिया लेके छूट बुलावा हो तनी कमर हिला के नाचा हाथ ठुमका लगा के नाचा तनी झूम के मूड बनावा हो हाथ थपारी बजा के नाचा सबके मन बहलाई हमर गाना हमर धुन पे नाची सारा जमाना ई जमाना सबके मन बहलाई हमर गाना हमर धुन पे नाची सारा जमाना ई जमाना आज फरल महफिल में धूम मचाइब हो कमर हिला के नाच हाथ ठुमका लगा के नाच हम गा के मूड बनाइब हो हाथ ठुमका लगा के नाच जवार के बानी हम गवैया प्यार दुलार बनैले रही हो भैया गाँव जवार के बानी हम गवैया प्यार दुलार बनैले रही हो भैया भोजपुरी के जग में नाम पढ़ाई बुहो कमर हिला के नाच आज ठुमका लगा के नाच तनी झूम के मूड बनावा हो तनी ठुमका लगा के नाच गुरुजी ला गा दीनी गाना गुरुजी लागत कि गजराज के गाना पसंद नहीं खे आई कहीं पिछवाड़ा में और प्रोग्राम के बाद किसनवा के जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आवे वाला रहे अचानक गजराज सिंह के बहिन के संगीत सीखे के इच्छा भेल और गजराज सिंह के मालूम रहे कि हम संगीत के बहुत बड़ा विद्वान बानी ऐसे गजराज सिंह हमरा के किडनैप करवा के अपना घरे बुलवा ले साहेब हम जैसे रवा के बतैले रहनी कि संगीत के हमरा सारे गा मा पा धा निसा कुछो मालूम ना रहे ऐसे हम आपन जान बचावे खातिर हम अपन चेला किसनवा के जाके पैर में गिर गए अरे गुरुजी क्या करता है गुरुजी जब तक तू हाना कमा हम तो हर पैर ना छोड़ अरे गुरुजी ऐसे छोट लेकर नियन जिद ना करी गुरुजी उठी 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 देखी हम ही नाटक ना कर सके नी कबो पोल खुल गई तब के तब निकल जाए अभी हमार जान बचा ले रहे गुरुजी उठी गुरुजी देखी हम इतना बड़ा धोखा क्यों से ना कर सके नी हमके क्षमा कर दी गुरुजी हमके क्षमा कर दी वाह 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 रे बचवा जिया जिया रे पाठा एगो एकलववा रहे एकलववा ई कौन नया सिसा गेल हो इमोशन में कॉमेडी घुसा होता ना अरे वो महान धनुर्धर रहे महान गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य रहे
वो अपन अंगूठा काट के अपन गुरु के चरण में डाल देलस। एगो तू बारे ठीक बाप मरे के पटले बाप नहीं गुरुजी नहीं ऐसा ना करी। दक्षिणा की बात बना छोड़ी हम अपन आँख देखे सच्चों की आँख बोले के नहीं करे बचवा खाली एक्टिंग करे के बा एक्टिंग अगर रुवा कहा था ना 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 खाली एक्टिंग करे के बा चलवा ना ठीक बा हम चलब आशीर्वाद दी तथा तू चला काले आइया चलिया भोरे के मेला। आ फिर हम जब किसनवा के अंधा बना के गजराज सिंह के हवेली पर ले गए नी गजराज सिंह के बहिन के पहला बार देखते ही हमार किसनवा के दिल में संगीत के अलग तार बाजे लगे। छिपे के रूप सलोना बा अखिया में भरल जात टोना बा गजबे के रूप सलोना बा अखिया में भरल जात टोना बा लागे चांदनी में नहाइल बारू तू लागे चांदनी में नहाइल बारू तू नस नस में हमरी समायल बाड़ तुए जान नस नस में हमरी समायल बाड़ तू नस नस में हमरी समायल बाड़ तुए जान नस नस में हमरी समायल बाड़ तू कैसिया में तोहरी बनाइल बाबहार हो हसलू तलागे जैसे बाजला सितार हो कैसिया में तोहरी बनाइल बाबहार हो हसलू तलागे जैसे बाजला सितार हो चांद सूरज की लाली से रंगल तोहरो बदन बा बदरिया कारी कारी से इकजरा रे नयन बा ओ जाने कौन साचा में ढलाइल बाड़ तू जाने कौन साचा में ढलाइल बाड़ तू नस नस में हमरी समायल बाड़ तुए जान नस नस में हमरी समायल बाड़ तू के नथुनिया पोरे पोरे पस रलबा सोलह के निशनिया ओ जान मारे वाला तो हर नाक के नथुनिया पोरे पोरे पस रलबा सोलह के निशनिया नजर भर जाए के देखबू तू दीवाना हो जाई तोहरे चाहत में दुनिया से बेगाना हो जाई ओ हमरा खाती धरती पायल बाड़ तू हमरा खाती धरती पायल बाड़ तू नस नस में हमरी समायल बाड़ तुए जान नस नस में हमरी समायल बाड़ तू गुरुजी
अरे बाप बाप, अरे किसन बचो, अरे इतना भोरे भोरे 3-4 बजत हो के काहे खातिर आगल बाड़े बचवा। अरे गुरुजी संगीत सिखावे चले के नहीं के? अरे बचवा, अरे तोरा के कोनो बुखारो खतरनाक भइल रे। अरे गुरुजी कैसन बात करता नहीं रहुआ। तब तो ठीक बा बचवा, कैसे के तना जान ले क्यों गजराज सिंह के बहिनी है। और गजराज सिंह के तना खतरनाक आदमी बाबू तू जाना तरह ना। अरे गुरुजी हम सब समझता नहीं, रुवा चली ना बहुत देर हो गई, चली ना। ठीक बा ठीक बा, अरे कुर्ता तो पहन लेवे दे। अरे बाप रे बाप, ए गुरु आई। और साहब, ए चुप साहब, हम कहते नहीं पागल है, लग रहा है ना कि कोनो फिल्म का कहानी सुना रहा है। अरे नहीं नहीं, हमको नहीं लग रहा है, अरे हमको तो अच्छा लग रहा है। साहब चलिए ना बाहर, चाय पी के आते हैं। तू जोरे जोरे जो जो हो गए साहब, समझ मिश्रा जी सुनिए, आप चाय लेके आइए, हम सुनते हैं, हमको अच्छा लग रहा है, आप जाइए जाइए। सुनाइए, गजराज के बहन रश्मि के भी किशन के साथ अच्छा लागत रहे, वो कबो कभार किशन के संगे बाहर भी घूमे जात रह लिया। का भाई लागत बा गाड़ी खराब हो गई बा, रुकी हम यहाँ के लोगन से पूछत बानी इधर आसपास कोनो गैरेज बा का। भैया ये हमार कहीं मैकेनिक मिली का, वो हमार गाड़ी खराब हो गई बा। मैकेनिक? हाँ। कहा बात कर दारू, गाड़ी तो ठीके लागतिया और चल के भी आवतिया, आगा से पाछा तक तो ठीके लगाता। अब ठीक बा भैया, जौन करे के बा जल्दी करी। चला गैरेज एजे बना देता नहीं, नट बोल्ट पाना जैक चला रिपेयर कर देता नहीं। अरे भैया हो, अरे सुना हो, अरे अरे गजराज के बहन भैया आनर बट करे, ये हमारे भाई बा। किशन हम यहाँ बानी। कहाँ किशन? कहाँ बाडू? अरे ये गजराज के बहन भैया, अगर गजराज के पता चली नू तो तू लोगन के काट काट के फेंक दी है। बहन भैया गजराज के, हमारा ना जलहट। के बाद अरे चल तू जो चाय पिए दे, जो साहब लीजिए चाय पीजिए, लीजिए ले ले चाय पी, जल्दी से चाय पी। हाँ साहब खड़े रहो, ये प्लेट अपने पास रख लो। ओके साहब। और अपनी जबान से एक शब्द नहीं निकालना। जी साहब। हाँ जी बोलिए साहब। इस घटना के बाद रश्मि के दिल में भी किशन खातिर प्यार पैदा हो गए।
बंद अखिया के सो जाए जा, हम तो होके जान ले। बंद अखिया के सो जाए जा, हम तो होके जान ले। धड़कन के सरगम से हम, धड़कन के सरगम से हम आहट पहचान ले। बंद अखिया के सो जाए जा, हम तो होके जान ले। बंद अखिया के सो जाए जा, हम तो होके जान ले। जब भी तोह से बात होला, हाथ में हाथ होला, कायनात साथ होला। बड़ा सुकून मिले जब भी तोह से बात होला, हाथ में हाथ होला, कायनात साथ होला। सबसे प्यारा दिल होला तू ए दिल के दिलबर, साथी बन के हमरा साथी रहिया जीवन भर। प्यारे के नजर कई ले असर, जाई दा जाई का जाने जिगर जाने मन, अरे जाने जिगर जाने मन। हम तो होके मान ले। बंद अखियों के सो जाए जा, हम तो होके जान ले। बंद अखियों के सो जाए जा, हम तो होके जान ले। नजर झुकावे लो आसमान झुक जाला, नजर मिलावे लो सांस हमारी रुक जाला। हाय नजर झुकावे लो आसमान झुक जाला, नजर मिलावे सांस हमारे रुक जाना। पहले जा फिर जाने जा, फिर भैला जाने जाना। दिल ने के तो दिलवर हमर हो गया दीवाना। तोहसे कहीं कहीं से रही समझे ना कोनो जाना। चाहे कयामत भी आई, अरे चाहे कयामत भी आई, तोहे रब से मांग ले। बंद अखियों के सो जाए जा, हम तो होके जान ले। बंद अखियों के सो जाए जा, हम तो होके जान ले। रश्मि और किशन के बीच में प्यार इतना बढ़ गया कि रश्मि अपन महल के सारा ऐसो आराम छोड़ के किशन के संगे खेत और खलिहान में समय बितावे लगली। का दिखत रहा तोहरा के? तोके देख के दिल के बहुत सुकून मिलेला। तोहरा के ना अपन मन मंदिर के देवी बना के दिन रात निहारल करी। अच्छा। हमके अपन बांसुरी बना ला ताकि हम ई ओठन पे हमेशा सजल रही। चला हमने के शादी कर ली हल जाए। वो तो होई
बाकी हमके एक बात के डर लागेला। कवन बात के डर? यही कि जे भी लेगा तोरे तरफ नजर उठा के देखेला तो हार भाई तोसे राखी बनवा देला, तो हमार का हुई बताई? बतावा बताई, इतना पास आके बताइबो। रश्मि नहीं, रश्मि किशन, रश्मि किशन, ना भैया अपन चेला किसनवा बहन के चिता के आग देके 12 दिन से थाना में रोज आवत बाकी साहब लोग हमरा केजा से धक्का मार के रोज निकाल देता रहे। साहब गजराज हमारा आँख भी फोड़वा दिला साहब, साहब हमारा के इंसाफ दे दिला। झूठा नाटक खेल बंद कर, अब से बैठ के यहाँ उल जुलूल बात कर रहा है पागल। बस मिश्रा बस, अगर इतना ध्यान तुमने अपनी ड्यूटी पे दिया होता ना तो आज यहाँ बैठ के मेरे सामने गिड़गिड़ा नहीं रहा होता इंसाफ के लिए। इसका FIR लिखो अभी के अभी। ओके सर। और जाके कह देना गजराज से कि मैंने उसे कल तक की मोहलत दी है। परसों थाने आए और किशन की मौत के बारे में पूछताछ में सहयोग करे। आप जाइए जरा बाहर, हमको इनसे कुछ पर्सनल बात करनी है। ओके सर। चैनूलाल जी, जी सर। आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा के तहत हम चाहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ अंडरग्राउंड हो जाइए। जी सर। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ मिले। ठीक बात, एहसान कब होना भुलाए? एहसान की बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है सारी उम्र, अपना संग रहना है। माफ कर दिए रे बहनिया, अपना कुल खानदान के मर्यादा निभावे खाते आज हमारे तो हर संग छूट गए रे। जो ना हमसे तो के डोली में बिठावे के चाहत रहे, आज से तो गला दबावे के पड़ गए। लेकिन गलती तो तोरो रहे ना कि तू दूर तक के गवैया से तू प्यार कर बैठ लू, तेरा मालूम रहे ना कि तेरा प्यार के मिला नहीं गजराज की दुनिया में संभव नहीं के। इसे हम तो तेरा प्रेमी के दुनिया में भेज दिली थे। देख ले तू यार भाई तोरा से कितना प्यार करे ले,
तेरा प्रेमी से मिला वे कर दे तो राम दूर दुनिया में भेज देनी। लोग ता किकरो मरला पे अपन दाढ़ी बाल के टावे ले, लेकिन हमरा देखी कि बाल ये दाढ़ी सब बढ़ा के रख ले बनी ऐसे रूप हो गई लमार। लेकिन हम दोनों से बहुत प्यार कर ली रे बहनी, जो तू अपने प्रेमी के साथ सुखी रही है हुआ ले बहनी तो आज तेरे मी के पूजा संपन्न हो गई, पूजा हो गई बहनी। तिवारी ऐसा कर, तू गाड़ी पार्किंग में लगाओ, हम भैया जी से मिलकर आवत बनी। ठीक बात, जल्दी आई। भैया जी एगो बुरा खबर बा, थाना में एगो नया इंचार्ज आयल बड़े, इंस्पेक्टर अजय कुमार किसनवा के मामला में रउआ खिलाफ FIR दर्ज हो गई बा। FIR के कॉपी बा, लेके हम आयल बानी थाना साइड से, बाकी बानी राउर साइड से, कहे कि संविधान के साथे साथे हम राउर भी तो शपथ ले ले बानी ईमानदारी निष्ठापूर्वक सेवा करे के। एक काम कर, FIR पत्र के पीछे हमार प्रेम पत्र लिख जी। सेवा में श्रीमान दाना महोकर अजय कुमार, अजय कुमार आपसे सबने निवेदन है कि आपने जो FIR मेरे खिलाफ लिखने की जुर्रत की है उससे मैं बहुत आहत हूं। इसे मैं आपकी पहली और छोटी सी गलती समझ के माफ करता हूं। आप जानते नहीं हैं मेरे बारे में, यहां आने वाला कोई भी दरोगा हो या इंस्पेक्टर जब पहली बार पोस्टिंग लेता है तो हमारे ही चरणों पे आकर सबसे पहले शीश झुकाता है, फिर पुलिस चौकी जाता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आफी के FIR के पीछे अपना प्रेम पत्र लिख रहा हूं, इसे आप सहर्ष या दुखी मन से आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आपका शुभचिंतक गजराज सिंह। भैया जी बस है ली, अपन सिग्नेचरवा कर दी। सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय अजय कुमार, आपका FIR पत्र मिला पढ़कर बड़ा दुख हुआ और इस खत को आपकी एक छोटी सी खता समझ के आपको माफ करते हैं। वो क्या है, आप यहाँ नए नए आए हैं और आपको हमारे बारे में ठीक से पता नहीं है। जो भी दरोगा इस थाने पे आता है वो थाने पे बाद में हमारी कोठी पे पहले आता है। अच्छा, हम आपको निमंत्रण पत्र भेज रहे हैं,
इसको सहर्ष खुशी मन से या दुखी मन से आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आदेशानुसार गजराज सिंह। ए साहब, मुझे हाथ न्योता पढ़ के साहब के मूड बन गए। आज फेरू हवेली पे नाच देखे के मिली, अब पीरी में दारू पिए के। सही काला तिवारी थी, एकदम सही। दोस्ती का एक तो नया शुरुआत है, इसे गजराज का नजराना समझ के रख लीजिए, खुश रहिएगा। नजराने की शक्ल में रिश्वत की पेशकश कर रहे हो गजराज बाबू? क्या है, जितने पैसे तुम दे रहे हो उससे ज्यादा पैसे हमारे पिताजी हमको हर महीने देते हैं घर पर रहने के लिए। ये नौकरी हम अपने शौक से करते हैं, क्योंकि खाकी पहनने में जो मजा है उसको तुम जैसे गुंडे नहीं समझ सकते। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस खाकी पे अक्सर दाग लग जाया करता है, क्योंकि हमारे अपने ही भाई तुम्हारे जैसे गुंडे के तलवे चाटते हैं। खैर, आपके निमंत्रण पे हम आए, अब हम चाहते हैं कि हमारे आमंत्रण पर कल आप थाने में 10 बजे आए और
सिंह की मौत के बारे में पूछताछ में सहयोग करें। और अगर आप 10 बजे तक नहीं पहुंचे तो 10 बजने के बाद हम आएंगे, फिर यहां नचनिया का नाच नहीं होगा, मुजरा कराएंगे, वो भी आपसे। घड़ी में कितना टाइम हो गया रे बाला? 9:57 होता भैया। क्या लगा था आई उस ससुरा? गर्जे और बरसे में भैया बहुत फर्क होगा, और आयु भी जाई तो बाहर बहुत फौज था, बच ना पाई। कैसे हो गई?
पांव कैसे पकड़ा, पांव कैसे पकड़ा, पांव कैसे पकड़ा। साधु ये महात्मा है, ये गंदी नाली का कीड़ा है, कीड़े की तरह रहेगा। जैन सर, लॉकअप खोल। भैया जी, तनिको बताना रहे कि गिरफ्तारी हो जाए, ना तो यहाँ कूलर उलर लगवा दे ले रहती, वो कोना में फ्रिज रखवा दे ले रहती, हवालात के रंग पेंट भी और घर जैसन करवा दे ले रहती। बाकी भैया जी चिंता ना करी, वो गिरफ्तारी कह के कोनो बड़का तीर ना मार ले ले बड़े। अरे भगवाने के जनम, जेल में भैल रहे भाई, खाना पानी लेके आई बनी खाली यही भैया जी, बिरयानी। तू तो रुकवा हमारा बोल ले रहे कि हम गंदा नाली के कीड़ा है, अभी कीड़ा ए लॉकअप के अंदर था, बिरयानी का पानी भी ना पी। अब तो हम सुबह के तत्वन भी गर्म न, सीधा अपना हवेली पे। मिश्रा जी सर, सोने रात में बिरयानी लाए थे गजराज के लिए। सर खाबा की सर, सर मत कीजिए, सवर्दी का ख्याल रखिए। दरोगा जी, दरोगा जी, अयली गजराज जी के जमानत के पेपर जल्दी से छोड़ दीजिए। क्या देख रहे हैं, जल्दी कीजिए ना। ओरिजिनल साहब, मिस्टर। यस सर। खोल दो लॉकअप का दरवाजा। ओके सर। चली 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 बाहर निकले चली।
होगा। तो जाना जगह नौकर बन के हिल बड़े, उस जगह के हम मालिक हैं। एक रात दम हवालात में गुजार ले ली, लेकिन तहरा जीवन के आवे वाला हर दिन हर रात हम चैन से ना गुजरे। भैया जी काट के फेंक दो जगह होगा रखे ना भैया जी, रघुआ कहीं तो ओकरा पूरा थाना के बम से उड़वा देता। जब, जब, बम से उड़ा दिए, काट के फेंक दिए। ससुरा सब मारब ना ओकरा जिंदा रख के दिल दिल करके हर पल मारब। चांद बना के जिंदा रखा इला। आंसू पूछला, आंसू भीतर की कमजोरी होला और अपने भीतर के डर के निकाल के बतावा कि काहे आत्महत्या करे जात रहलू। आत्महत्या हम जरूर करे जात रहनी साहब, लेकिन एकरा खातिर मजबूर करे वाला वो गजराज सिंह बा। वो हमरा के अपन बना के रखल चाहत रहे। वो पहले से ही न जाने कितना औरतन के अपन हवस के शिकार बनौले बा। ऐसा जिंदगी सदा अच्छा रहे कि हम मर जाती। जगत होके डरे कोनो जरूरत देखे, हम तुम्हारी सुरक्षा का पूरा गारंटी ले पाले। जितना दिन चाह यार रह सके, और रह गिल गजराज सिंह के बाद ओकरी बाप पे खड़ा भर चुकल बा। जुग जुग जी सजन
हमके मिल गई भाग जा गल बा जान तोहरे से दिल लागल बा एक जन्म में साथ न छूटे झूठल रहे सातो जन्म आखी के हमरा सोझा रहल कर सदम रब से है बकामना जुग जुग जी सजम रहुए मोर परान रहुए के दिल से तपिया लेले बहानी माँ रहुए सुबह हो शाम रहुए मोर परान रहुए के दिल से तपिया लेले बहानी माँ जीने की बे आके हम जान हो हमारा पे पहलू है एहसान हो दूर होके हमरा से कबो ना करिहा सितम राजा जी रहुआ प्यार में पागल भयल मन आखी के हमरा सोझा रहल कर सनम के आधार हमरा जिंदगी में आके कहने हम पे हो दुखा रोए सुर हो सिंगार सांस चले के आधार हमरा जिंदगी में आके कहने हम पे हो दुखा तू ना तो हम कुछ नहीं टूट के हम तो हर एक चाहे राहत मिले दिल में जब से प्यारे के लागल लगन राजा जी रहुआ प्यार में पागल भयल बमन आखी के हमरा सोझा रहल कर सनम नाश्ता अच्छा बन रहा है ये लो फोन कुछ जरूरत पड़ी तो फोन कर लिया ठीक बा ठीक बा जय हिंद सर जय हिंद कैसे हैं ठीक है सर बाकी सब ठीक सर जी चलिए ई के है भाभी जी सर हलवा ना तो कम से कम चाहू पिया देती भाभी जी नहीं है एक दुखियारी लड़की है जी इंसानियत के नाते मदद कर रहे हैं अच्छा ठीक बा इंसानियत के नाते मदद करे के चाहिए बाकी चलिए Thank you.
अरे ढूंढो ना वो गजराज के केस वाली फाइल, ढूंढो ढूंढो। ढूंढ तारी साहब, पेट तो बढ़ा लियो इतना, रिश्वत ले ले के पेट बढ़ता गया बढ़ता गया। ऐसा नहीं है। हेलो, सुनी ना, ये बोला था? हम बोला था नी साहब, मुझे तो भाभी जी के फोन हुआ। जितनी बार बोला भाभी जी नहीं, भाभी जी का फोन आया है। हेलो। अच्छा सुनी ना। हाँ बोला। रात के खाना में क्या बनाई? तुम्हे जो अच्छा लगे बना ला। रउआ की का पसंद बा? तो के जो अच्छा लगे बना ला, हम खा ले। ठीक बा, घर जल्दी आई बा। कौन सुनता है ऐसे बात? भाभी सुनता है। भाभी जी पगला है पूरा। सुना ये कुछ कपड़ा बा, चेक कर ले। ठीक बा। ड्रेस अच्छा बा? हाँ, फिटिंग भी ठीक बा। तू भी खा। आज नाश्ता वास्ता नहीं बना उनका? नाश्ता बना के रख दे ले बानी, रवा कर ले, हम जाते नहीं। क्या है, हमसे कोनो गलती हो गई का? ना ना, रवा से कोनो गलती नहीं के भाई, गलती तो हमरा से भइल बा। दरअसल हमरा के घर में रुके के ही ना चाहत रहे। सवेरे सवेरे आज सब्जी लेवे गए रहे, आस पड़ोस के सब लोग हमारे और रवा के बारे में अनाप शनाप बकत रहे लोग, और ठीक तो कहत रहे हो लोग। आखिर कौन रिश्ता से हम ये घर में रुकल बानी? का रिश्ता बा हमारा और रवा के? और बिना कोनो रिश्ता के जब एगो औरत एगो मर्द के साथ रहेली तो लोग ओकरा के रखेल ही कहेले। अच्छा रही वो दिन हमरा के मर जाए देले रहता, काहे बचावला हमरा के? ये जिंदगी कालिक तना बनी। मरे को शौक बा? हाँ। पक्का ना? हाँ। पुजारी जी। प्रणाम। खुश रहे। हम दोनों के शादी करे के बा, अनुचित कुछ व्यवस्था हो सके लगा। हाँ ठीक बा। रो मंत्र पढ़ते ठीक बा। छतिया
के हट गई पीछे से दीवार, बहिया के तारा पहिर लेने हार। सुन सुन प्यार वाले बातिया ये राजा धड़का है छतिया। बड़ा खतरनाक बलात्कारी लगा था, ये छोड़ ले अकेली लड़की के देख के कहीं नहीं जल्दी मार बे थप्पड़ दिमाग से जी। ए साहब डांटी मत, इल्जाम लागल बा तहकीकात होई, शांति से हिलिया मत। अरे ना तो तब जाए घोड़ा उड़ जाए खोपड़ा, मिश्रा हम शादी के लिए से सुन ले ला तिवारी कौआ के भी बारात निकलेला तो पूरे गांव के पता चल जाला। और साहब शादी कैला तो हमार डिपार्टमेंट का ही पता ना चलल, का सबूत बा शादी के? देखी न मांग में सिंदूर, न गला में मंगलसूत्र, न हाथ में मेहंदी, न पाँव में महावर, कौनो सबूत बा शादी के? अजी साहब जब शादी भइले नहीं के तो सबूत कहाँ से होई? सही बिल्कुल सही कहनिया मैडम, का सबूत बा? सब सब तो सब चल के ना चल चल मन 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 चल मन मन मंदिर चल 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 जी प्रणाम। प्रणाम। कल आप हम दोनों की शादी के लिए लड़ी ना यहाँ पे? भगवान के दरबार में हमसे झूठ ना बोलवाई, हम कोनो बियाह ना करवले रहनी। ये कह ले रहन ये रहा सबूत पंडित तमिल भगवान को दरबार से बोलते पाखंडी के इनकम को छोड़ो ना तुझे झूठा पाखंडी बेसाल शादी के लिए आप कहते के साथ लेके ली दरवाजा।
वेलकम, स्वागत बा दरोगा तोरे लॉकअप में। जुर्म गवा मालूम बा? कौनो अपहरण, चोरी, डकैती ना, बलात्कार। तोरा वर्दी पे ना, तोरा चरित्र पे लागल बा। चाहती तो तोरा मार भी सकत रहनी, लेकिन ना मुक्ति मिल जाए तारा, ऐसे तेरा जिंदा रखा ताकि हर दिन हर पल तू एक क्षणिक मौत मर गए। चो जहां जाके बा, गांव, गली, मोहल्ला, शहर, जो सब तोरा देख के क्या करी हल्की तहरा ऊपर। क्या कले रले हमरा गंदा नाली के कीड़ा कले रले। देख अब तू बनल बड़े कीड़ा, अब तो रेंग यह कंदा नाली है। रुक रुक, वो कहा कि सोना अगर नाली में गिर जाए तो दाम में कोनो कमी ना होला, और पीतल अगर संगमरमर पे भी गिर जाए तो दाम में कोनो बढ़ोतरी ना होला। और रह गए दाग के सवाल, तो साफ कपड़ा और साफ चरित्र में ही दाग लागला। धोले धोले तू दाग, रगड़ रगड़ के धोले ना मिटे। जरूर तो आप तो हम के फिर से हमारे पुराने ट्रैक पर वापस ला बता रहे। जहां कानून का कोनो बंदिश नहीं थी, और ये धुलाई तो के बहुत महंगा पड़े वाला बा। हाँ वाला देख, कुछ ना आई चढ़ जाए ससुर। गजराज जी, छोकर की जरूरत नहीं है तेरा। गजराज जी ठीक हो भैया। मेरा भाई, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया काम कर लो तू। हाँ बहुत अच्छा लगे लगना। बोला ता चाहे इनाम तोरा? सरकार हमरा के हमार बहिन दे दी, हम ही गाँव इस शहर छोड़ के अपन बहन के लेके बहुत दूर चल जाए। लौटा देव कहे ना लौटाए, लौटा देव, लेकिन कहना कि पुलिस के खतरा बा, बहुत कुछ भी हो सकेला, जान के भी खतरा हो सकेला। तोरा बहन के ऐसे ओकरा गुप्त जगह पे रख ले बानी, आ जाइ है दो तीन दिन बाद बहन लेके जाइ है। बहुत बढ़िया काम कर लेते भैया, वो तो अपन काम कर दे ले भैया, अब वो कर बहन के काहे ना छोड़ देनी। अरे बाला बाला, कबीरा कहे सुनाए साई, औरत बचन भरोसा नाई। तिवारी जी, भैया जी के तरफ से इंग्लिश खिलाई जा रही है। ससुरा पूरा ताना झूम रहा है। जय इंसान, जय इंसान, जय इंसान, अरे सब जय हिंद। अरे मन की बेकार रे, काब की आरती उतारो रे। ए मिश्रा जी, अरे कुछ नया बनाई? नया? अरे भैया जी के दारू चढ़ाओ रे, साहब के लात मारो रे, साहब के लात।
अच्छा तो यादव जी जी, अभी हम राउंड अप पे जा रहे हैं तिवारी जी के साथ, जरा साहब का विशेष ध्यान रखना। ओह माय गॉड, हम तो रेप करे रही आवाज, हम तो रखे पता है कि रेप बोला सब ऐसे मत करी, सब हमारी जिंदगी बर्बाद मत करी, सब हम रखे छोड़ दी। अबे चुप, 10 साल के बेटा अवतार कैरियर में ताक लगा के तो कहा था कि हम तो जीवन बर्बाद कर देंगे। हाय तो रखे रोड से उठा के तो मांग के सजा के तो रखे अपने घर में रह के जगह देनी, और तू हमारा क्यों होकर ये सीना दीजिए धोखेबाज। साहब हम धोखेबाज नहीं की, एगो शादीशुदा औरत जी अपन मांग में सिंदूर तक ना भर सकेली तो समझी ना ऐसे बड़ मजबूरी का हो सकेला। हमार छोट बहिन गजराज सिंह के कब्जा में भी उहे हमरा से रउआ पे इतना घिनौना इल्जाम लगवेलस, हम बेकसूर बानी साहब। बहुत बढ़िया नौटंकी, बहुत बढ़िया। ना साहब, ये ड्रामा नौटंकी नहीं खे, फिर भी रउआ के हमरा पर विश्वास नहीं खे। लगा था कि हम गुनेगार बानी, तल्ला करला हमार बलात्कार, चाहता हमार जान भी लेला, साहब हमार बहन के बचाला, बचाला साहब। भैया जी क्या दारू चढ़ाओ रे भाई। मुझे माँ की पेट से कम पुलिस थाना के गेट से जाना बाहर जाना कहे कि पुलिस का इंसाफ और जुर्म में कोना फर्क नहीं के धोखे का लगा था ये जोन वर्दी बा खाली 2-3 मीटर कपड़ा जो ना के गुदर जी सिल देलस ना भाई ना एकरी हर सिलाई में लाखन करोड़ जनता का विश्वास जुड़ल बा एकरी हाथ धागा में फर्ज बदलवा एकरे रंग में वो शपथ बा जो हमने वर्दी पहने समय संविधान के साक्षी मान के ले लड़िया। बहुत अफसोस बा कि हमने का संविधान गजराज सिंह जैसा दो टका का गुंडा बन चुकल बा, बहुत अफसोस बा। चाहते लोग अपने एक मार दिया Thank you.
ताजी दरोगा के हमरा ड्यूटी पे पहले ले भैया जी तो का करती ये पगला गई बा रात भर हमनी के थाना में मरलस जमीर जगावे के कोशिश कैलस ये भी अपन बयान बदल देले बिया अभी मैटर कोनो बड़ा अधिकारी तक जाए उसे पहले एकर बहनिया के भी बुलाई आ कुलहीन के हमरे आंखी के सामने गोली मारी आ रह गई बात फाइल के तऊ पुरन का दरोगा लियन किसनवा के मैटर जैसन फाइल हम संभाल लें सही कहल जाला कि दुनिया में सबसे वफादार कुत्ता का है बड़ा दर्द दिले रहे ये हमरा बड़ा दर्द कंदा नाली के कीड़ा कर रहे हमरा ही आज भी याद है मिसेस को लॉकअप के बंद दरवाजा सब सुतल रहे सिपाही रोगा हवलदार सब सुतल रहे खाली जागल रहे हमारा साथ तक खाली दरोगा के कर जा चुका हमरा तियर दर्द के ऐसे ही एकरा मार देवे तू तनी ठहर ऐसे ना मार बेटा याद बा कैसे किसनवा के मर ले रहनी खून के आखिरी कतरा तक तड़पा तड़पा के मर ले रहनी लेकिन ही कुलहीन बेचारा के मार केस खोले आयला ले तू किसनवा के देख अमर इंसाफ तारा केस क्लोज करके उहे किसनवा के पास बाकी बिल्कुल अलग तरीका से भेज रलवानी अरे भैया जी ई सुख कर करे के मौका हमरा के दे दी प्लीज भैया जी प्लीज
ले ले तू क्या याद कर रहे जो सोचे था नहीं जराई कहां से हम सोचा था नहीं गोली नीचे से चली तो ऊपर कहां से निकली भैया जी ये गोली पहले भी मार सकत रानी वर्दी की अहमियत समझ के हमने के जमीर जाग गए मैं सुरेंद्र मिश्रा मैं सुजीत तिवारी मैं दीपक कुमार मैं शैलेंद्र पांडे मैं मनोज यादव मैं कृष्णा गुप्ता मैं कसम खाता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरंग से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और नीति के अनुसार कार्य करूंगा जय हिंद फटाफटी नाक हंस खुलवा दी गजराज से धोखा तेरा कहीं और बर्दाश्त न हो अरे गद्दारी और धोखा तो अब तक अपन ड्यूटी से करत रहनी पद से करत रहनी कर्तव्य से करत रहनी तोरे पैर पर इतना गिर गई नी कि कबो कानून के देवी के पूजा ही ना देनी अब जल्दी से नाक फांस खुलवावा ना फोड़ दे चिड़िया उड़ा दे भला खोल दे जी भैया
कौन है तुझे? कौन? बिना सहारे के तो तू खड़ा भी नहीं हो सकता। क्या बिगाड़ा था तेरा किशन ने? यही ना कि तेरी बहन से प्यार किया था, उसकी माँ उसके सदमे में मर गई, उसकी बहन उसके सदमे में मर गई, और तेरी बहन वो तो तेरी अपनी थी ना, तूने उसको भी मार दिया सिर्फ इसलिए कि उसने किशन से प्यार किया था। तेरे घर के झूठे मान मर जाता, इज्जत की रेखा को पार कर दिया था उसने। अबे ढोंगे इंसान, बड़ा अच्छा लगता है तुझे जब लोगों की जिंदगी से खेलता है तो? आज मैं खेलूंगा तुझसे किशन के लिए, आज तुझे तेरे पुराने रूप में लेके आऊंगा उन मरे हुए मासूम लोगों के लिए। यस सर। थाने जा इन लोगों को लेके, सारा केस रफा दफा कर। ओके सर। आज इसकी मुलाकात यमराज से डायरेक्ट करा के आता हूं। चले मिश्रा जी। जी सर। सर रहुआ आके हमने क्या अपन फर्ज सिखौनी समझौनी और अब जात बनी तो नीक ना लगता सर। अरे मिश्रा जी, आप लोग वर्दी की कीमत समझे, ये बहुत बड़ी बात है, बस इसको मेंटेन रखिएगा, ठीक है? और करो एक आध दिन का ऑर्डर तुम भी। यस सर। हाँ जी, ले लो टेस्ट आप तुम भी। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए और ये कम कीजिए। खाया करो कुछ। अरे भाई चिकन खिलाया करो, तुम भी खाया करो। जी सर। जैन सर, सरकारी ड्यूटी में पैर नहीं छूते, समझे? ओके सर। बाय बाय सर। अरे चिनुला जी, नमस्ते नमस्ते, चलते हैं अब। उम्मीद करते हैं इंसाफ मिल गया होगा आपको। जी बाकी और बहुत एहसान भाई गांव। अरे एहसान की बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था, और मुझे लगता है कि हमारे पुलिस वाले भाइयों को अपने फर्ज का मतलब समझ में आ गया। ये तो हम नहीं ही कह सकत, बाकी हम इतने कहब कि रउआ जैसन इंस्पेक्टर, रउआ जैसन पुलिस अधिकारी हर थाना में होके, ताकि इंसाफ कम से कम हर गरीबन के मिले और ऐसा राक्षस से सबके छुटकारा मिले। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आपने भी ऐसे राक्षस के अगेंस्ट खड़े हुए, ये बहुत बड़ी बात है। नमस्ते। मत जाएं। अरे जाने दीजिए, कहीं और भी तो समस्या होगी, वहाँ भी दूर करना होगा, चलते हैं। ओ हेलो, हम केकरा संगे जाइब हो? ई केकरा संगे जी, हमके का पता भाई, का पता, हम लिया के जाइब तो फिर से कहीं बलात्कार का आरोप न लग जाए। सुनी ना, माफ कर दी। ना 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 ना, माफ कर दिया जी बाबू, माफ कर दिया। अरे हुजूर, रेप के इल्जाम लग जाए ना, किरिया खेले वाड़ी ना लगी है, बैग पकड़ ना ला, तब ना माफी मिली, बैग पकड़ ला। ठीक बा, ठीक बा ना, एकदम सर, चला तब। ठीक बा। अब तोर बहन बच्ची, तू रुका तोरा के हारमोनिया सिखाई। छन्नो लाल जी, अब ना सिखाई, तू जा, ऊप करम ना करम। अब स्कूल मत खोल लिया। हाँ, अब सब गलत काम सब खत्म। एगो आग तो हर फुटर बने तो के हम होम गार्ड में भर्ती करा देती। ठीक बा। हाँ, कहीं औरे रहेला। रब से है बका जुग जुग जी सजन, हमके मिल गई लू भाग जा गलबा, जान तो हरे से दिल लागल बा,
एक जन्म में साथ न छूटे जूटल रहे सातो जन्म आखी के हमरा सोझा रहल कर सजन रब से ही है।